शासकीय माध्यमिक एकीकृत विद्यालय विद्यालय मांगरोल चार शिक्षक पूरे हेडमास्टर घनश्याम जाटव देवमणि भगत राखी भार्गव कविता मुड़िया 14 फरवरी को हुई थी मोबाइल मॉनिटरिंग। केवल हेडमास्टर घनश्याम जाटव के मोबाइल पर फोन आया, बाकी स्टाफ स्कूल में ही मौजूद था। दूसरे दिन अखबार की खबर में सबको अनुपस्थित दर्शाया गया, जिस पर स्टाफ ने एक पत्र ऑफिशियल ग्रुप पर एवं स्पीड पोस्ट से DEO ऑफिस भेजा, जिसमें समस्त स्टाफ ले उपस्थित होने की जानकारी दी। 15 मार्च को जब शिक्षिका देवमणि भगत ने सैलरी की जानकारी मिली तो उनकी और समस्त स्टाफ की सैलरी कट चुकी थी, जिस पर उन्हें गहरा सदमा लगा, क्योंकि भगत मैडम और अन्य स्टाफ ईमानदारी से प्रतिदिन समय पर स्कूल जाते हैं। मैडम का सुबह 16 मार्च को खराब तबीयत की स्थिति में स्कूल पहुंची, लेकिन एक घंटे बाद ही ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। हेडमास्टर मीटिंग के लिए बदरवास आए थे। स्टाफ की शिक्षिका राखी भार्गव ने अपने मोबाइल से 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और मैडम को बदरवास स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां राखी भार्गव के पति घनश्याम शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर मैडम का इलाज करवाया और उनकी 11वीं की छात्रा बिटिया अंजनी को बुलाया। शाम को फिर तबीयत बिगड़ी तो मकान मालिक की गाड़ी से उनके साथ गुना डॉक्टर धाकड़ को दिखाया। उन्होंने बताया हार्ट अटैक आया है। उनको अखबार में अपना नाम आने के बाद से ही सदमा लगा और बिना नोटिस दिए ही सैलरी काट दी गई। कर्मचारी संगठन ने शासन की नीति पर सवाल खड़े किए हैं।